500 केल्विन से 500 केल्विन के बीच में, ठीक है। और जो सेकेंड इंजन है ये काम करता है x केल्विन से 600 केल्विन के बीच में, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, बराबर। दोनों की एफिशिएंसी क्या है, बराबर। तो आपको बताना है इस x का मान कितना है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 1000 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 960 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 846 केल्विन, और चौथा ऑप्शन है कुछ भी रख दो 720 केल्विन। लास्ट वाला गलत, 846 ऐसे नहीं होगा, 846 सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो सब केल्विन में, अब तो कर सकते हो, आसान सा है। 840 आप सॉल्व करें, पर ऐसा नहीं हो सकता है। 840 नहीं, 46 ऑप्शन नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है यहाँ एक बच्चा है जो जो प्रबल दावेदार है, जिसका सिलेक्शन जरूर हो, आठ बनकर के बता, ठीक है। बाकी देखते हैं, नहीं ज्यादा पढ़ाई कर दोगे तो फिर मामला दिक्कत हो जाएगा ना, फिर आपको दबा दें, ठीक। ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एक ही बच्चा मिला। चलिए देखो इधर किसको कैसे सॉल्व करो। सबसे पहले देखो क्या दिक्कत है, ये T1 होगा या T2, अरे बोलो यार, अरे ये क्या होगा, 800 केल्विन, T1 या T2, T1 होगा यार, ज्यादा होगा T1, अरे ये क्या है, अरे बोलो यार, इसमें दिक्कत हो सकती है, कौन सा T1 ले कौन सा T2, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो जो पहले लिखा हो वही T1 हो और जो बाद में लिखा हो वही T2 हो। ऑप्शन देखेंगे, देखो ऑप्शन, हाँ ठीक, बीच में बोल दो तुम्हारा आंसर आ गया। चलिए इधर देखो, ये सारे ऑप्शन 600 केल्विन से ज्यादा है, निगाह में इसका मतलब ये वाला कम होगा, यानी क्या होगा T2, और ये वाला क्या होगा T1। बस इतना करना है, आप फार्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100, इसका लगाइए 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100 100 हम लोग बता देते हैं। चलिए 1 माइनस कितना बोलो, कितना 500 अपॉन 8 बराबर में 1 माइनस कितना बोलो यार, 600 अपॉन x, सही कि नहीं, कर लोगे ये 1 में हटा दे क्या, अरे हटा दे, ये प्लस प्लस इधर आ जाए, ये प्लस का इधर आ जाए, माइनस को हो जाएगा, ये हट जाएगा, ऐसा नहीं है लड़का, हटा देगा ना, हटा देते हैं, माइनस माइनस भी हट गया, वो दिक्कत आगे जीरो पे डाल देते हैं, सॉल्व कर। चलिए आठ पे, भाई हमें तो सरल करना होगा, हम ज्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे तो टाइम लेगा, हमें सरल करना होगा, वो आपके दिमाग पर डिपेंड करे कैसे आप कर पाओ। आठ पे इधर थोड़ा करो, एक्स का इधर तो 5x इज इक्वल टू कितना है, 5x इज इक्वल टू 48
एक बार आप जय हिंद बोल दो सर। जय हिंद जय हिंद सर। डीएसआर से क्या हम लोग सर ये बात आप लोग किधर है? देखो यार एक चीज है, चलो तुम्हारी क्वालिटी पूरी करेंगे, चलो हाँ ठीक है तुम्हारी पूरी करें। उसके पहले देखो यार एक चीज है कि कभी जैसे आपको इतने दिन पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन इसमें कभी लगा कि हम टीचर हैं या सब कुछ? हम सब लोग परिवार हैं। अरे बात सुन, हमारा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, अरे बात सुन पीछे, सिलेक्शन हो अन्यथा ना हो, देखो हमारा जो व्यू रहेगा, देखो इधर बहुत हसिया है, देखो इधर जैसे हम आपको गार्ड पार्ट देते हैं तो आपको बुरा बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा लगता है। और जल्दी आ जाए बुरा बुरा तो नहीं लगता? ऐसा छोटे भाई की तरह गार्ड देते हैं, ठीक है ना, वो आपके अच्छे के लिए। ये बात नहीं यार, बैठ जाओ कहीं भी पीछे लगा तो वहां एक या दो मिनट रुक जाओ, बात छोड़, ठीक है। तो एक चीज मैं जो आपको बहुत दिन से बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही हम, ठीक है ना, अगर क्लास ही ना लगे, आप लोग ही ना हो तो हमें आप किसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आप लोगों से हम है और हमसे। ये जो भी रिलेशन हम लोग का है ये ऐसा स्टूडेंट या फिर टीचर का नहीं, ठीक, ये नहीं कि यार सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ तो बस ठीक है सर थे पढ़ाते थे चले, नहीं, आप उसे कॉन्टेक्ट नंबर से जोड़ सकते हैं, फेसबुक से जोड़ सकते हैं, अपना जो एक रिलेशन बन गया वो कहाँ तक रहे, जीवन बन रहे, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? चले हर चीज का पैसा है, ताली मार रहा है, जगह सही लो ताली का पैसा, तो फिर सारी सुनाई दे सकते हैं? अरे यार तुम लोग ये समझना, नहीं नहीं ये समझना, तो इन लोग एक ही सारी है, हमको फेमस नहीं हो, आप लोग हो ना आप लोग के बीच में फेमस है कि नहीं बताओ, ठीक है ना, तो यार वही एक शायरी है तुम लोगों के लिए लिखी है और आप ही लोगों के लिखे हैं कि हाँ वही है कि जान लगा दो मिलकर यार, जान लगा दो मिलकर यार, अब कोई ना हसरत बाकी हो, एक ही सपना पूरा करना, बदन में वर्दी खाना।